मंच पर विराजमान सभी साधु महात्माओं के चरणों को नमन। सम्मानित मंच, सांचौर जिले से दूर दराज से पधारे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार साथियों, माताओं बहनों, विगत 2 साल पहले एक ऐसी बीमारी आई जिसके कारण सांचौर ही नहीं पूरे विश्व में त्राही त्राही मच गई थी। कोरोना में हमसे बिछड़े सभी बहन भाइयों की शांति के लिए मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपनी चरणों में जगह दे। इसके बाद आज की जो मीटिंग है उसका मुख्य उद्देश्य सांचौर उपखंड का जिला बनना है। सर्वप्रथम मैं मेरी 2 लाइनों के साथ शुरुआत करूंगा मंत्री जी के लिए। काम करो तो कुछ ऐसा करो, काम करो तो कुछ ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम करो तो कुछ ऐसा करो कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई यहां जीता है, जिंदगी तो हर कोई यहां जीता है, जिंदगी जियो तो ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए। आप सबको सांचौर जिला बनने पर बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। वक्ता बहुत है, मैं ज्यादा समय नहीं लेके सिर्फ इतनी ही बात कहूंगा। कोरोना के 2 साल के बावजूद ईमानदारी से आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब के आशीर्वाद से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी आदरणीय मंत्री जी ने मांगा उन्होंने कभी मना नहीं किया। जितने भी मेरे युवा साथी बैठे हैं, आप देखते होंगे सोशल मीडिया का चाहे कोई प्लेटफॉर्म हो, फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, ईमानदारी से कहना और आत्मचिंतन करना, आपको हर दूसरे या तीसरे दिन एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, सांचौर को मिली सौगात, सांचौर को मिली सौगात। स्वास्थ्य का मामला हो, चिकित्सा स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, पानी का हो, बिजली का हो, सड़कों का हो, आप सांचौर आजादी का आज भारत अमृत महोत्सव 75वां साल मना रहा है, लेकिन वास्तव में विगत 4 साल में सांचौर में जितने काम हुए हैं वो पिछले 4 साल में नहीं हुए हैं। मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए सिर्फ अपने अपना से आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूं। मैं आपके और मंत्री जी के बीच में एक डाकिये की भूमिका विगत 4 साल से निभा रहा हूं, इससे बड़ा मैं कुछ नहीं हूं। कुछ मेरे युवा साथी माहौल खराब करने के लिए ऐसे बोलते हैं कि इनको तो एमएलए बनना है। मैं साफ कर देना चाहता हूं, किसी के चाहने से कोई एमएलए नहीं बन जाता। एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा तो ये जो 36 कौम के लोग बैठे हैं वो बनाएंगे। मैं आपसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूं, ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दे। आपको जो इस जिले की सौगात दी है माननीय मंत्री जी ने, आने वाले दिसंबर में वही टिकट लाएंगे और पिछली बार 25,000 से, मैं आपसे अनुरोध करता हूं इस बार 50,000 से जिताकर भेजिए। मंत्री जी जब मंत्री बन के आए थे उन्होंने एक बात कही थी, चाहे मैं आऊं या मेरे परिवार के सदस्य कोई आए, आपके सुख दुख में 24 घंटे आपके सांचौर में हाजिर रहेगा। वो काम मैंने किया है, चाहे 4 साल आपके प्रत्येक जितने भी सांचौर के लोग बैठे हैं, ईमानदारी से कहना, अगर आपने बुलाया हो, अगर मुझे समाचार मिले हो तो मैं आपके बीच में आया हूं, मेरा सिर्फ यही काम था। 5-6 महीने पहले अभी डांस प्रो की सीजन चल रही थी, मैं आपके लिए मंत्री जी से हर बार दिन में 10-10 बार लड़ाई करता हूं, इनका काम नहीं हुआ, इनका नहीं हुआ। मेरी मां ने कहा, डॉक्टर डोगरो बूढ़ा हो गया, हर बात में डबडबा हुए आओ पड़े तो लड़ाई मत कर,
कहने का मतलब यह है, हमने ईमानदारी से आपने जो हमें मान सम्मान दिया और जिस पद पे बैठाया, हमने उसके फल स्वरूप कभी यह एहसास नहीं किया कि हम अहंकार है। अब ओ बात तो कही, मेरा लोक है कि मंत्री पुत्र, मंत्री जी को बेटा हूं तो मंत्री पुत्र तो रहूं, इनमें क्या बड़ी बात है। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूं, ना तो कोई लोभ है ना लालच है, मैं आपके सुख दुख में आपके साथ हूं, आपके साथ रहूंगा, यह भरोसा और विश्वास दिलाता हूं। 4 साल में कोई गिनाने की जरूरत नहीं है, बहुत काम किए हैं, बहुत वक्ता बताएंगे। एक बार मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री जी के परिवार की तरफ से बहुत अच्छा, हमने मेरे युवा कार्यकर्ताओं ने, मैं मेरे युवा जितने भी 36 कौम के कार्यकर्ता विगत 3 दिन से मेहनत कर रहे हैं, उनका मैं आभारी और ऋणी हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने पंडाल में बैठे हैं, आपको सिर्फ न्योता देने के लिए कि कोई जल्दबाजी ना करें, खाने की व्यवस्था चालू है, खाना वहां खाए, मंत्री जी अभी आधे घंटे में यहाँ आएंगे, तब तक जिस भी भाई को खाना खाना है खाना खा के यहाँ बैठे। दूसरी बात, ये अपना खुद का प्रोग्राम है, अगर मंत्री जी यहाँ होते तो आप मत कोई और बनी हो, मंत्री जी नहीं है तो आप सबकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि कोई मन मुटाव ना हो, किसी भाई को अगर बोलना है 2 मिनट आके बोलिए, और कोई भी वरिष्ठ व्यक्ति अगर आपके बीच बैठा है और स्टेज से उनका नाम नहीं लिया गया है, मैं आपके हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ कि आप पूरा नाम मान करके उनको मंच पर बुलाए। एक बार पुनः 36 कौम के सांचौर जिले के जिले वासियों को सांचौर जिला बनने पर बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत।